दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ये जो ब्लाउज आप लोग देख रहे हैं सेम इसी ब्लाउज का कटिंग आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये जो गला है ये गला कैसे कटता है और इस ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होता है, इसका पूरी फुल वीडियो सीखने वाले देखने वाले हैं, उसमें सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसी ब्लाउज में, इसी सेम मेजरमेंट से, सेम कटिंग के ब्लाउज में ये पीछे जो गला है इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से आप लोग डिजाइन बना सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो इसका चलिए इसको आगे के जो ये वाला गला देख लीजिए आप, उसी ब्लाउज के कटिंग में जो, ठीक है, आप जो है ऐसा भी गला आप लोग कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बनाया गया है यहाँ पर, इस शेप में आप ट्रायंगल रख सकते हैं और इसमें अलग अलग तरीके, जैसे आपको ट्रायंगल पसंद हो उस टाइप का ट्रायंगल जो है इस बैक में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं काउंटर पे और सीखते हैं इसे कटिंग। दोस्तों हम आ गए हैं काउंटर पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। बाई का लंबाई रहेगा 10 इंच का, बाई गुलाई रहेगा 11 इंच का, अरमोल रहेगा 16.5 इंच का, ब्लाउज का लंबाई रहेगा 13 इंच का, ब्लाउज का चेस्ट रहेगा अपर चेस्ट रहेगा इसका 39 इंच का चेस्ट रहेगा और कमर रहेगा 29 इंच का, और चेस्ट पॉइंट रहेगा 10 इंच का, फ्रंट गला रहेगा 7 इंच का और बैक का जो गला है ड्रॉप वो रहेगा 9.5 इंच पे, ठीक है। उस 9.5 इंच में ही ऊपर का छोटा गला रहेगा, ड्रॉप भी रहेगा। चलिए फिर कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीधा कर लेंगे मार्किंग करके। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच का है तो 14 इंच लंबा काटेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और गले की जो गलाई है वो रखेंगे इसमें 6 इंच का, ठीक ना, बंद गला है इसलिए इसमें मैं 6 है रख रहा हूँ, 6 कादा होगा 3, तो यहाँ पर 3 पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर इसका रहेगा 15 इंच का तो 15 का आधा 7.5 पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से 1 इंच नीचे, ठीक है, गला पीछे का छोटा है तो 1 इंच डाउन रखेंगे क्या शोल्डर, ये देखिए ऐसे, ठीक ना। अब देखिए, अब यहीं से गला हमारा रहेगा ऊपर का जो रहेगा, गला रहेगा छोटा सा गला रहेगा ऊपर, ठीक है, और इसके नीचे ड्रॉप रहेगा, इसके नीचे ड्रॉप करेंगे। एक गला खुलता नहीं है, इसे पैक रहता है, छोटा गला है इसीलिए हम लोगों को शोल्डर डाउन करना पड़ रहा है, ठीक है, इससे शोल्डर बड़ा भी आता है इतना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको रखेंगे 6.5 इंच 2 सूत पे, ठीक है, मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ 15 रखे थे शोल्डर का आधा, कैसे 7.5 रख देंगे, 15 का 7.5 इधर और उतना ही इधर भी, ठीक है। अब ये दोनों को सीधा कर लेंगे, ठीक है। चेस्ट कितना है इसका, चेस्ट है 39 इंच का, तो 39 का चौथा भाग आएगा 9.5 इंच 2 सूत, तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे उतना 9.5 इंच 2 सूत, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 39 इंच, ठीक है। और कमर कितना है, कमर 29 इंच का है तो यहाँ रख देंगे 28 एक 29 7 इंच 2 सूत, ठीक है। और यहाँ पर डांट लगाने के लिए, ठीक, ऐसे मार्किंग कर लेंगे सीधा, और इसके बाद से एलुजे के लिए मार्किंग, ठीक है ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुलाई दे देंगे, इससे गुलाई हो गया। हमारा आर्मोल जो है 16.5 इंच का है तो 8 इंच 2 सूत का आना चाहिए गोलाई, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये तो ऐसे कटने वाला है तो इसलिए यहाँ से लेंगे, ठीक है, परफेक्ट आ गया है 8 इंच 2 सूत आ गया है, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, यहाँ से सीधा काटेंगे ऐसे, इधर से भी सीधा कट कर लेंगे,
ठीक, इधर से भी, और यहां से भी सीधा काट लेंगे ऐसे, ठीक ना। तुम्हारा ब्लाउज का बैक कट गया है, ठीक है। यहाँ पर चरखा लगा लेंगे, इधर भी चरखा लगा लेंगे। ये कटिंग जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसे बहुत ही अच्छा अपनों को कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा फोर टक्स का। ये हो गया। अब इसमें ही क्या करेंगे, 2.5 इंच का मार्किंग इधर, 2.5 के इधर। ये क्या है, बेल्ट में काट रहा हूँ, ठीक है। इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग वो सीधा हो गया। अब यहां से हल्का सा इधर 1 इंच बढ़ा देंगे, इसे बढ़ाने के बाद से यहां से हल्का सा ऐसे यहीं से गुलाई दे देंगे इसे, ठीक है। ये हमारा बेल्ट हो गया। तो इसको नहीं काटेंगे, इसमें कट करेंगे। देखिए कैसे कट करेंगे, इसका भी टेक्निक होता है कट करने का। इसको ऐसे रख लेंगे और इसको जो है ऐसे इस पर रख देंगे। ऐसे रखने के बाद नीचे का जो है ना, ये जो अस्तर है, इसका किनारी हम लोग काट पहले निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। कट हो गया। इधर से भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको बराबर कर लेंगे, कट करके हो गया है। तो इसको ऐसे ऐसे मार देंगे। ऐसे मारने के बाद देखिए यहाँ पर ये लाइन उग गया है, दिख रहा लाइन यहाँ पर, ठीक है। यही लाइन है ना हमारा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है लाइन, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे नहीं कट करना है, ठीक है। इस पे दबाव छोड़ना है, इसमें दबाव छोड़कर कट कर लेना है ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे दबाव छोड़ना है, फिर कट करना है। तुम्हारा हो गया बेल्ट, ये हो गया बैक, और बैक से ही फ्रंट कट करेंगे फोर टक्स का, वो भी दिखाता हूँ, बहुत आसान है, आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, इसको प्रेस मार लेंगे ऐसे, ठीक। प्रेस मारने के बाद इस बैक को ऐसे इस पर रखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम आसान है कटिंग करना फोर टक्स ब्लाउज। ऐसे रखने के बाद सबसे पहले ऐसे कट कर देंगे इधर, और यहां से ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट कर लिया, हो गया कट। अब यहां से चटका लगा देना है, गले के जो चौड़ाई उसको चटका लगा देंगे, आगे पीछे दोनों सेम कट टू कट आ जाएगा। इसको लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो शोल्डर एक इधर हो जाता है, इधर भी हो सकता है, फिर उसके बाद में काटते बैठते हैं, ठीक है। वैसे नहीं करना। अब यहाँ से जो है बैग जो है इससे छोड़ना है, दबा छोड़ना है, हुक लुक की जो पट्टी बनाएंगे आप लोग उसका दबा छोड़ना है, 2 सूच छोड़िए या 3 सूच छोड़िए, मगर छोड़िए, ठीक है। ये हो गया, दबा छोड़ दिया इधर, इधर पूरा ओके कट कर लिया हूँ। यहाँ पर हल्का सा ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इधर एक मार्किंग, जो लाइन सीधा आ रहा है यहाँ से उसी पे एक मार्किंग, इधर भी मार्किंग कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा दूंगा और 0.5 इंच यहाँ बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्किंग मैं सीधा कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सीधा कट करूँगा ऐसे, ये देखिए कट हो गया। अब क्या करेंगे, चेस्ट का सेंटर निकालने के लिए हम लोगों को सीखना है यहाँ पर। तो चेस्ट का सेंटर कैसे निकालना है, ये देखिए ऐसे। चेस्ट का सेंटर मतलब क्या, चेस्ट का सेंटर मतलब चेस्ट जो पॉइंट आता है, अब यहाँ से सेंटर उसका कहाँ आएगा, ठीक ना। चेस्ट पर का सेंटर कहाँ पे आएगा, इधर, तो निकालना सीखना है। ये देखिए यहाँ से कमर का मार्किंग हो गया है यहाँ पर, तो इसको उठा के इसको यहीं पर रख लेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे जो मार्किंग किया है यहाँ पर करेंगे, ऐसे कर लेंगे और यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ बैक को। ये देखिए हमारा चेस्ट सेंटर आ गया है, चेस्ट सेंटर यही है।
अब इसी चेस्ट सेंटर पे हम लोग यहाँ शोल्डर से चेस्ट पॉइंट का मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट पॉइंट हमारा कितना है, 10 इंच का है, तो रखेंगे हम 10.5 रखेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ऊपर जब दबाएंगे आधा इंच का यहाँ पे इतना, तो बराबर यहाँ 10 आ जाता है, ठीक ना। तो हो गया हमारा मार्किंग चेस्ट पॉइंट का, चेस्ट सेंटर होता है और ये चेस्ट पॉइंट का ये मार्किंग होता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। और इसके बाद से इस लाइन से जो हम लगाए थे सीधा मार्किंग, ए वाला नहीं, इस पे नहीं जाना है, इस पे सीधा आना है। ये देखिए हम सीधा लगाए थे, इसको हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं ऐसे ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच इधर और यहाँ से 1.5 इंच इधर मार्किंग कर लेंगे। हो गया मार्किंग, 1.5 इंच मार्किंग हो गया। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग क्यों लगाए हैं इसके बारे में भी समझाएंगे, ठीक ना। मगर उससे से पहले हम लोग डार्ट का मार्किंग लगाएंगे, आगे जो इस मेन टक्स आता है उसका, ये हम रखेंगे 1.5 इंच का डार्ट लगाएंगे इसमें, ठीक ना। तो 1 इंच में 2 सूत इधर कम और इधर 1.5 इंच पे, ये टोटल हमारा 1.5 इंच का डार्ट आ गया है, ठीक है। अब इसको ऐसे क्रॉस रखेंगे, चेस्ट पॉइंट पर मिल जाएंगे, इस तरह भी चेस्ट पॉइंट पर मिल जाएंगे आकर, ये हमारा डार्ट हो गया, ठीक है, मेन डार्ट हो गया। अब यहाँ से हम इस लाइन में जो आ रहा था इस पे इसको मिला देंगे ऐसे 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 मिला देंगे, ठीक ना। तो हमारा ये नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा ये जो इधर ऐसे क्रॉस किया है ना, इसको काटना पड़ता है, ये जो है निकल जाएगा, यहीं से कटेगा, ये कटेगा तो फिर गंद हो जाएगा फिर, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर इससे चेस्ट पॉइंट से आधा इंच सिर्फ ऊपर मार्किंग करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इधर भी। अब चेस्ट सेंटर जो ये सेंटर आया हुआ है, इस सेंटर से 1.5 इंच इधर और इसी से 1.5 इंच इधर, ये डार्ट का मार्किंग लगा दे रहा हूँ, ये हमारा मेन डार्ट हो गया, ठीक ना। अब इस डार्ट को इस लाइन पे लेकर जाना है, जो लाइन है इस लाइन पे लेकर जाना है, ठीक है। इस लाइन को लेकर नहीं आएंगे तो भी चलेगा, इसको ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, सीधा रखेंगे तो भी चलेगा, और यहाँ लाएंगे तो भी चलेगा, मगर यहाँ लाने पर थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो हमें यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाए थे, ये 1.5 इंच रखे थे, आधा इंच तो बेल्ट का दबाव जाने वाला है यहाँ पर, ठीक ना, आधा इंच का बचेगा 1 इंच, तो 1 इंच का यहाँ पर हम लोग ऐसे डार्ट लगा देते हैं, 1 इंच इधर आ गया, आधा इंच दबाव चला गया, ये चला गया पूरा खत्म हो गया का, और आधा इंच का दबाव जो है डार्ट यहाँ पर लगाते हैं, ठीक ना, और 1.5 इंच का यहाँ पर, और आर्महोल का जो डार्ट रहेगा यहाँ का आर्महोल का ऐसे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कैसे करते हैं, ये जो होता है ठीक है, उससे ही मतलब ये छोड़ कर वहाँ से जितना है उतना उसका आधा पे रख देते हैं। इसको मैं आप लोगों को ठीक से समझाता हूँ जरा, ये हमारा चला गया दबाव, ये हमारा ये हो गया, ठीक ना। अब इसमें से ऐसे नापेंगे, ऐसे 8 आ रहा है, तो हमारा ये चाहिए 4 पर, तो ये हमारा 4.5 पर लग गया है, ये भी ठीक है, यहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब डार्ट लगाएंगे ऐसे यहाँ पर, दिखाता हूँ तुम्हें, ये 4.5 आ रहा है, ठीक ना। जब यहाँ से डार्ट लगाएंगे यहाँ से ऐसे, पहले की कर लेते हैं, 2 इंच का लगा लिए, ये लगाने के बाद यहाँ से 2 इंच पे रहेगा ये, जब यहाँ से ये डार्ट जाएगा, ये डार्ट लगाएंगे, जब आधे इंच लगाएंगे यहाँ पर, जब आधे इंच यहाँ पर दब जाएगा तो बराबर वो 4 पे आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा 1, 2, 3, 4 डार्ट का बात हो गया है। अब इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे करा गया यहाँ से सीधा ऐसे, ये कट गया। अब यहाँ पर ठीक ना, ये चटका लग गया है यहाँ पर, ये दबाव का, यहाँ पर इस दबाव का आधा इंच यहाँ डॉट लगाना है, और यहाँ पर आधा इंच का, 1.5 इंच, 1 इंच, आधा इंच, आधा इंच, ठीक है।
ऐसे डट लगता है। किसी किसी में जब ज़्यादा मिडिल चेस्ट ज़्यादा बड़ा रहता है तो ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है। ठीक है, फिलहाल इसमें हम लोग फ्रंट गला कटेंगे 7 इंच का। ठीक है, 7 पे मार्किंग लगा लेंगे, ये सीधा कर लेंगे, फ्रंट गला हमारा गोल ही काटेंगे इसमें। ठीक है, तो राउंड ऐसे कर लेंगे और राउंड पे ऐसे कट कर लेंगे गला आगे का। ये हमारा फ्रंट कट होकर ओके हो गया है। ठीक है, ये फ्रंट कट गया और हमारा बेल्ट कट गया। ठीक ना, ये देखिए, अब इसको यहाँ रखेंगे, इसमें डार्ट का मार्किंग दिखाते हैं आपको। लास्ट में रखेंगे, यहाँ पर चक्का लगाएंगे और यहाँ से सीधा मार्किंग कर लेंगे। डार्ट कितने पे है, 10 पे हमारा, तो 10 पे मार्किंग कर लेंगे बैक में डार्ट के लिए, और इसको मार लेंगे कि उस बाजू भी ये आ जाए। ठीक है, अब बैक गला हमको कटिंग कर लेना है यहाँ से। ये देखिए, ऐसे बैक गला कट गया। अब हमको इसमें ड्रॉप कट करना है, तो मेन सीखना है ड्रॉप के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो गला है ड्रॉप का 9.5 इंच पे है। ठीक ना, तो 9.5 पर मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मार्किंग करने के बाद इसमें हम ड्रॉप जो काट रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप भी इसको ध्यान से देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें ड्रॉप कैसे रहेगा, ऐसे हो गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इतना छोड़ देंगे 2 सूत, और इसके ऊपर जो है ऐसे रख लेंगे ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और दिखाते हैं ना, मसान दिखाता हूँ ऐसे, इसको इसको मगर 2 सूत छोड़ना है, यहाँ से दबा जाएगा ना उसमें, छोड़ना है उसको, छोड़कर ऐसे इसको, और 2 सूत छोड़े इसको रख के ऐसे करके इसका सेंटर निकाल, इस दोनों का इसका इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर ऐसे सेंटर निकाल लिए, तो कितना ही चौड़ा आपको ड्रॉप चाहिए ऐसे रख सकते हैं। मतलब ये का रखेंगे 2 इंच चौड़ा होगा, ठीक है इतना, और 1.5 रखेंगे तो 3 इंच चौड़ा होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं रखूँगा 1 इंच 2 सूत्र रखूँगा। ठीक है, तो हमारा सील साल कर 3 इंच का चौड़ा ड्रॉप आएगा, तो मैं यहाँ पे इतना ही रखूँगा इतना। ठीक है, अब इसको इसको मिला देना है इसमें, दोनों ऐसे कर देना है। ठीक है, ऐसे करने के बाद तो ऐसे भी आप, ये जो है ना बर्फी रहता है, बर्फी बोलते हैं, काजू कतली बोलते हैं, जो रहता है वैसे आकार आ जाएगा। ठीक है, तो मगर मुझे ऐसा नहीं रखना है, मुझे जो रखना है गोलाई रखना है, अपना वो अपना गोलाई वाला हल्का सा वाला रखना है। आप लोग मैं काट के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे कट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारा इतना इसमें से कट होके निकला हुआ है। तो आप लोग ये दिखाता हूँ गला जो है, ये दिखाता मैं आप लोगों को, ये देखिए। ठीक है, जब ये जब पीछे बंद आएगा, ड्रॉप आएगा नीचे, गला 9 इंच का ही आएगा, 10 इंच भी आ सकता है, यहाँ यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शोल्डर जितना रहता है उतना ही रखना पड़ता है, क्योंकि गला बंद है, यहाँ से खुलेगा नहीं यहाँ से। ठीक ना, उसीलिए शोल्डर का जितना, शोल्डर 15 इंच का शोल्डर था तो मैं 15 रख दिया था यहाँ पर, 15.5। ठीक है, इतना दबा जाने वाला है यहाँ से, इतना इतना बाहर जाकर दबा जाएगा ना, तो वो भी तो कम होता है ना इसमें, तो अपना बराबर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक का अच्छे से डिजाइन कटिंग। इसमें आप अलग अलग ट्रायंगल कट कर सकते हैं, आप इसमें अलग, इसी गले में इसी कटिंग सेम मेथड से आप अलग अलग ट्रायंगल कट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रहे। ठीक है, ये हमारा बैक हो गया,
ये फ्रंट हो गया और इसका बेल्ट हो गया, बचा बाहीं। तो बाहीं का कटिंग दिखा देता मैं आपको, बाहीं कटिंग देखना बहुत जरूरी है। बाहीं का कटिंग अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो भी ब्लाउज में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो बाहीं की भी कटिंग देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाहीं छोटा बड़ा हो गया, कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है, ये भी मेन सीखना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। बाहीं का लंबाई है 10 इंच का, तो रखेंगे इस मार्किंग से ऊपर 10.5 इंच, 10 तो मैं 10.5 रखा है, आधे इंच बढ़ाकर क्यों रखा हूँ, क्योंकि दबा जाता है ना ऊपर, जब सिलेंगे तो दबा जाएगा ना आधा इंच का, इसीलिए। फिर यहाँ से 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे, एक सीधे लाइन लगाएंगे, और इसके बाद से हमारा बैग का जो आर्मोल की जो गोलाई था वो था 8 इंच 2 सूत का, मतलब 16.5 था ना, तो उसको आधा था, कितना होगा 8 इंच का 2 सूत। देखिए ऐसे ही दिखाया था मैं, 8 इंच 2 सूत आ रहा है। तो यहाँ पर इस लाइन से इधर 8 इंच 2 सूत ऐसे रखना है, ठीक है। और ये जो गोलाई था बाहीं का 11 था, तो हमको रखना है 11 का था 5.5, तो यहाँ पर रखना है 11 रखना है। इसको इसको दोनों को मिक्स कर देना है, और इसको भी कर लेना है। यहाँ से इसको कट करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, ठीक। इस बाहीं को ऐसे कट करेंगे, देखिए ऐसे कट कर लेना है, यहाँ तक हो गया। चटका लगाएंगे, यहाँ पर चटका लगाएंगे, और इधर भी चटका लगाएंगे। इसके बाद से इसको हम गोलाई निकालेंगे, मतलब गहराई, बाहिंग का गहराई बोलते कोई खड्डा बोलते कोई, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं इसको, इसको मैं गहराई बोल दूंगा। ऐसे निकाल देना है, देखिए इतना निकालना, कितना निकाला हूँ 1 इंच का निकाला हूँ ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर चटका लगा देना है, और उसके बाद फिर से सेम रख लेना है बराबर से। अब इसमें से हल्का से इसको अच्छे से सेप देना है, यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए इतना और निकाल दिया। मैं कितना निकाला हूँ, ये आधा इंच का, बराबर आधा इंच निकाला हूँ कट कर। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी मतलब आधा इंच एक सूत का ऐसे फर्क आता है इसमें, छोटा बड़ा आता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा कुछ दिखने में ऐसे दिखता है आकार, यह जॉइंट आने वाला थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा कटिंग, ठीक है, बैक फ्रंट कटोरी सॉरी बेल्ट बाहीं। तो आज का कटिंग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।